कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है? जो हमारे टीम द्वारा क्लासेज हो रही हैं आप सबको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद यही करते हैं। और एक और नई चीज़ आपके साथ जुड़ गई है इस समय, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आ गया है वैदिक आईएएस का। जिनको चिंता है कि हमें क्या कहते हैं टेस्ट को करना है, वो जाके वहाँ टेस्ट हैंडल कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है मार्केट में तो सेल होना शुरू हो जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो टेस्ट होगा उस टेस्ट पे जो हमारी क्लास होगी उसको मत छोड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि मैं एक प्रश्न के साथ साथ आपको उसी के साथ चार छह प्रश्न तैयार कराते चलूंगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हमने कहा कि जैसे मेरे पास मान के चलिए कि 140 प्रश्न आर ओ में आता है, 140 प्रश्न की सीरीज हमारे पास है। 140 प्रश्न को एक प्रश्न को 10 प्रश्न के साथ हैंडल कराऊंगा कि एक के साथ आपके 10 तैयार होंगे। अगर 140 का मतलब 1400 हो रहा है, तो आप उम्मीद करिए कि 14 दूना 28, लगभग 2800 से 3000 प्रश्न आपको हमारे क्लास से मिल जाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज हमारी महत्वपूर्ण होती है। बाकी टेस्ट सीरीज तो आप मार्केट से कहीं से लेके प्रश्न देखोगे, उत्तर मार दोगे, रट लोगे, लेकिन हमारे टेस्ट को आप हैंडल करना है। और हम वही टेस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रखता है। वो कोशिश करता है कि यहाँ से मैं प्रश्न बार बार पूछूंगा। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है इतिहास। इतिहास में ये बेसिक जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं कि इतिहास में प्रश्न कहाँ से आते हैं, और ये कहाँ से आते हैं ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे, समझोगे, 2-4-6 साल के पेपर को रखोगे परीक्षाओं के, तो आप खुद समझ जाओगे कि प्रश्न बार बार कहाँ से आते हैं। और वास्तव में प्रश्न वहाँ से आते हैं तो उसके नोट्स बना लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। बार बार हम जोर दे रहे हैं कि जो बार बार आते हैं उसके नोट्स बनाइए, जो बार बार नहीं आते हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। हो सकता है खुदा न खास्ता वो भी आपको याद रहे और अच्छा हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सब तो कोई करके आता नहीं। कभी आपने ये नहीं सुना कि 150 प्रश्न आए, मैंने पूरा 150 कर दिया है सही। एग्जामिनर ऐसा प्रश्न सेट करता है, कुछ हार्ड बनाता है और कुछ क्या कहते हैं आसान होते हैं। आसान वाले भी कुछ लोग गलत करके चले आते हैं जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ ये मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए, इतिहास का जो है क्या तरीका है, इतिहास जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब यूँ कह लीजिए कि जितना ही बड़ा है उतने ही प्रश्न आते हैं और उतने ही टफ प्रश्न आते हैं। और उन टफ प्रश्नों को हैंडल कैसे करना है ये आपको देखना है, क्योंकि इतिहास से सबको डर लगता है। इतिहास से परीक्षा में मुझे भी डर लगता है, अभी भी लगता है। परीक्षा में बैठता हूँ तो लगता है कि इतिहास के प्रश्न पता नहीं कहाँ से दे दिए। लेकिन वो प्रश्न आपके नहीं गलत होने चाहिए जो इतिहास में बार बार आ रहा है और जो आसान है। देखिए, इतिहास जो है क्या कहते हैं अपने आप में बड़ा है, और इतना बड़ा है कि अगर आदमी 2 महीने की परीक्षा में इतिहास लेके बैठ जाए तो मुझे लग रहा है कि हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए, इतिहास में हम लोग प्राचीन पढ़ते हैं, ठीक है, और मध्यकालीन पढ़ते हैं और आधुनिक पढ़ते हैं, ठीक है। इन तीनों का अपना महत्व है। पहले एक समय था कि लोग कहते थे कि आधुनिक को अच्छे से पढ़ ले जाइए, यहाँ से 80% प्रश्न आते हैं। लेकिन अब आप पिछले साल के प्रश्नों को देखिए, अब 80% कह देना मिथ्या हो गया है। अब जो है मिडवल से भी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, और क्या कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा से, तो प्राचीन भारत से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आपको सब पे अच्छा खासा समय देना है, और सब पे समय देना है आपको वहां से जहां से प्रश्न जो है आपको बार बार मिल रहे हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं, और कुछ प्रश्न भी हैं मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्न आए हैं, उसको आप देखिएगा और घर पे जाके हैंडल करिएगा, और क्या कहते हैं कोशिश करिएगा समझने का खुद से। देखिए, प्राचीन इतिहास में पहला चैप्टर हो गया पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाणकालीन सभ्यता से प्रश्न बार बार आ रहा है, तांबे के बर्छे कहाँ पाए जाते हैं, कुत्ते के साथ मनुष्य कहाँ दफनाया मिलता है, ये सारे प्रश्न, देवी की मूर्ति कहाँ पाई गई है, इस तरह के प्रश्न आपको बार बार मिल रहे हैं। वो प्रश्न यहीं से बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कभी कभी किस नदी के किनारे क्या बना है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, या मोहन जोदड़ो की खोज किसने किया है, और हड़प्पा की खोज किसने किया है, या अन्य चीज़ों की खोज किसने किया है पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर इनमें जो क्या कहते हैं स्टेट्स हैं उसमें कौन सबसे पुराना है, सुक्का गिंडोर है, आलमगीरपुर है, या अन्य चीज़ों में लोथल है, मोहनजोदड़ो है, ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको क्या कहते हैं पढ़ना पड़ेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सेगमेंट से मान के चलिए एक एक प्रश्न आना एग्जाम में तो फिक्स है।
आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखिए, यहाँ से दो भी आ गया है या यहाँ से दो या यहाँ से एक आ गया है। ठीक है, आगे देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से बार बार प्रश्न आ रहा है। ठीक है, वहां से देवताओं के बारे में प्रश्न आ रहा है, वैदिक सभ्यता से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, स्त्रियों के बारे में वहां जो उदत और ये सब था, भाग लेती थी, सभा समिति वगैरह थी, वहां से प्रश्न बहुत बार बार बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि वैदिक सभ्यता में कहां कहां से प्रश्न आ रहा है, और वैदिक सभ्यता में मुझे लग रहा है लगभग दो प्रश्न आ रहे हैं। तो दो प्रश्न कैसे टैकल करें, वो कौन कौन से होंगे, किस तरह के आएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें से आराम से आपको पकड़ में आ जाएगा। देखो, धर्म मैंने बौद्ध और जैन लिखा है, लेकिन शैव और वैष्णव से भी प्रश्न आया है कभी कभी एग्जाम में। तो जब हम बौद्ध और जैन को पढ़ाएंगे, जैसे इसमें बौद्ध समितियां कब कब हुई हैं या जैन समितियां कब कब हुई हैं लिखाएंगे, बताएंगे, और क्या कहते हैं, बताने के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप क्या कहते हैं अच्छे से क्या कहते हैं मंथन करके जाइए, आपका गलत ना हो। उसके साथ आपको हम शैव और वैष्णव को भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल अपने आप में बड़ा है, और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और यहाँ से यूँ कह लीजिए प्रश्न गुप्त मौर्य से एक एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, अगर इन कितने हैं, सात हैं, अगर इन सातों में देख लिया जाए तो टफ प्रश्न बनाएगा, तो दक्षिण भारत के इतिहास से बनाएगा। दक्षिण भारत के इतिहास को कोई पढ़ना नहीं चाहता, वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो दक्षिण भारत के इतिहास को भी हम पढ़ाएंगे, और वहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं इस समय वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके आराम से बन जाए। ठीक है, तो अगर सात देखा जाए, सात टॉपिक है, तो सात में से पांच प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। आगे कहाँ मिलेगा, आगे मध्यकालीन भारत पे आप आ जाइए, मध्यकालीन भी अपने आप में काफी बड़ा है। हमने तो आपको ये छह टॉपिक मात्र बता दिए हैं, लेकिन इन छह टॉपिक में मुझे लग रहा है कि कम से कम 20 बन जाएंगे अगर पढ़ने लगोगे तो। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जैसे बाबर को किसने आक्रमण करने के लिए बुलाया, जब बाबर को पंजाब के सूबेदार ने बुलाया था तो क्यों बुलाया था, उनके पीछे कारण क्या था, कौन से आक्रमण पहले भारत पे हुए, किसने किया, क्या लूटा, कहां पर पहले हुए, ये सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा, और इनका उद्देश्य क्या था जानेंगे तो सारी आगे की चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल में सारे जितने दिल्ली सल्तनत में है, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे क्या कहते हैं बलबन हो, रजिया सुल्तान हो, उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानना पड़ेगा कि किसने क्या किया है अपने साम्राज्य के लिए, या कौन सी नई नीतियाँ लाई हैं। ठीक है, मुगल काल, मुगल काल में सारे वंशज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, सबके बारे में, सबका अपना अपना महत्व है, और ये कह लीजिए कि दिया तो एक चैप्टर है, लेकिन इसमें से 10 पढ़ने पड़ेंगे, और 10 में से कहीं जाके एक प्रश्न हमें मिलेगा, तो ये अपने आप में एक कठिन हो जाता है। लेकिन कोशिश ये रहेगी हमारी कि जहाँ से प्रश्न बार बार आए हुए हैं और वो जहाँ से बार बार पूछ रहा है, जैसे कि अगर कोई एक चीज पूछ रहा है तो दूसरा इस बार पूछने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो हम आपके सामने से किताब कुछ लोग पूछे हुए थे, तो ये तीनों की किताबें हम तो कहेंगे आप एस के पांडे सर की बुक लेके पढ़ लीजिए। अगर आपको फैक्ट पढ़ना है, अगर आपको फैक्ट पढ़ना है, तो अभी तक मुझे सिर्फ एक बुक मिली है और वो ज्ञान पब्लिकेशन की है, उसकी पिक मैं आपको भेज दूंगा, बता दूंगा, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ पे आपको सारे के सारे क्या कहते हैं डाटा या फैक्ट एक साथ मिल जाएंगे, तो आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। बाकी आप प्रीवियस ईयर के पेपर में घटना चक्र, तो उनको लग रहा है कि हर विद्यार्थी तैयारी करने वाला यूपीपीसीएस की वो तो सॉल्व करता है, उसके बगैर मन नहीं मानता है। देखो, भक्ति आंदोलन, सूफी संत, यहाँ से भी प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो एक हमारा लेक्चर बड़ा सा होगा इन दोनों टॉपिक पे, यहाँ से कभी भी प्रश्न बन जाते हैं, एक आधा साल गैप करके बन जा रहा है, और सिख संप्रदाय से भी प्रश्न बन रहे हैं, और मराठा से प्रश्न कम बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी मराठा से प्रश्न बनता है तो उलझा देता है, लेकिन मराठा में प्रश्न बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे वो हम आपको यहाँ पे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आप नोट कर सकते हो, अगर किसी को क्लास नहीं कर पा रहा है कोई मेरी, लेकिन अगर क्या कहते हैं खुद से भी पढ़ना चाहता है, तो ये चैप्टर आपके रामबाण सिद्ध होंगे। यहाँ से भी अगर आपको वहाँ से पाँच मिला, तो आपको यहाँ से भी पाँच से छः प्रश्न मिलेंगे, तो एंशियंट और मेडिवल से मिला के 10 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, श्योर है। उसके बाद इसमें मैंने क्या कहते हैं आधुनिक काल में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के नाम नहीं लिख रखे हैं, क्योंकि जैसे गांधी जी का जो कार्यकाल है अपने आप में बड़ा है, मुझे लग रहा है गांधी जी के कार्यकाल से ही पांच छह प्रश्न आ जाते हैं, तीन चार आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के बारे में तो नहीं पूछता है, या एक आधा प्रश्न गांधी जी के बारे में पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके कार्यकाल को हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में, तो हमें एक दो तीन प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये चीजें हम पढ़ेंगे, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें हम यहाँ पे
जानेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, किस गवर्नर जनरल कौन सी पॉलिसी ले आया, ये प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हम क्या कहते हैं जरूर पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हो गया, कार्नवालिस के बारे में हो गया, किसी के बारे में जान लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हो गया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है वायसराय और गवर्नर जनरल, ठीक है। 1857 की क्रांति, एक प्रश्न अभी आपको हम देंगे इस पे है, अभी तुरंत बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। और जो हमारा लेक्चर होगा वो मात्र एक प्रश्न के माध्यम से होगा और ये सारे सेगमेंट क्लियर हो जाएंगे इस पे, चाहे आपसे कथन कारण का वो प्रश्न बनाए या फिर वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए, वो यहीं से कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। फिर आगे जो है, आगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में एक क्लास ऐसा लेंगे कि शिक्षा का विकास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक क्या क्या परिवर्तन हुए, या प्रेस का विकास कौन किया, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चले, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि प्रेस को कब बैन कर दिया गया, फिर कैसे प्रचलन में आया, पहला पत्र कौन आया था, प्रेस पे बैन किसने लगाया, ऐसे सीधा प्रश्न पूछ लेता है। तो ये दो क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से भी प्रश्न बनता ही बनता है। उसके बाद जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बार बार आ रहा है और कभी कभी दो प्रश्न आ जाता है। तो ये दोनों प्रश्न किस तरह से आएंगे, या फिर क्या कहते हैं इनके आने का तरीका क्या होगा, या पिछले बार एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए थे, ये भी हम आपको बताएंगे कि पिछले बार जो प्रश्न आए थे वो कैसे आए थे, उसको कैसे हम हैंडल करें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब शुरुआत हुई 1885 से, वहां से लेके उसके अंत तक कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, सारे तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो चीजें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कोई ना कोई घटना घटी है, जहाँ पे मुस्लिम लीग आंदोलन चला या लखनऊ पैक्ट हुआ, ये चीजें आपको बताने की बहुत जरूरत है। वो हम आपको उसी के समय बताते चलेंगे। जैसे गांधी का काल हमने आपको बताया ना, गांधी का काल अपने आप में बहुत बड़ा है, और अगर गांधी के काल को, गांधी जी जब से भारत में आए, उनका आगमन हुआ और उसके बाद से लेके उन्होंने क्या क्या किया, अगर हम इसको पूरा अच्छे से क्लास में जान जाएंगे तो गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हमारे, वो एक जगह हमारे क्लियर हो जाएंगे। आगे आंदोलन, आंदोलन का मतलब यूं समझ लीजिए कि जो भी क्या कहते हैं आंदोलन हुए हैं इसमें, या अनुशीलन समितियां हैं, कोई आंदोलन हुआ है, जो भी चीजें विविध टाइप की हैं, वो सारी चीजें हम आपको यहीं बता देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं परीक्षा में आती रहती हैं, वो सारे जैसे पैक्ट वगैरह है, वो सारी चीजें भी हम आपको यहीं बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देसी रियासतें पढ़ाएंगे, एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है। उसके बाद फिर कुछ लेखकों की पुस्तकें हैं जहाँ से एक प्रश्न बार बार आता है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो गई, गांधी जी की पुस्तक हो गई, या फिर क्या एनी बेसेंट की पुस्तक हो गई, यहाँ से भी प्रश्न बार बार आता है। तो आपको क्या कहते हैं ये चीजें समझनी पड़ेगी कि प्रश्न कैसे आता है, किस तरह से आता है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न बनेंगे, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 18 से 20 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हमारे लेक्चर में, और कुछ नहीं आपको 11 लेक्चर इसमें, मैंने बताया था सबसे लंबा क्लास मेरा यही होगा, मुझे लग रहा है कि ये होगा 10, 10 और 20। इतिहास में हमारे 40 लेक्चर होंगे, 10 हम एंसेंट पे देंगे, 10 क्लास हम क्या कहते हैं मिडवल पे लेंगे, और 20 हम मॉडर्न पे देंगे। तो ये जाके आपका 40 लेक्चर लेने के बाद आपका कम से कम 20 प्रश्न जाके तैयार होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न किस तरह से आए हुए हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना 1885 के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, सबको पता है कि महासचिव ए यू हून थे, लेकिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, ठीक है, क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, क्या हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए कि नहीं हुए, इन सारी चीजों को जानना पड़ेगा। और अगर ये प्रश्न एयू हूम पे खत्म हो जाता है, उत्तर मिलता है, तो दादा भाई नौरोजी भी क्या कभी थे कि नहीं थे, थे तो कितनी बार थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे कि नहीं कितनी बार थे, फिरोज शाह मेहता थे कि नहीं थे, अगर थे तो कितनी बार थे, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और ये चीजें हम हर प्रश्न में बताते चलेंगे आपको जब हम क्लास लेंगे तो, और हर मतलब क्लास के अंत में 10 से 12 प्रश्न होंगे, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा कि आप देखिए प्रश्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, अगर ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवचंद सेन थे तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई थी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, क्या राजा राम मोहन राय भी किसी समाज के संस्थापक थे, क्या ईश्वरचंद विद्या राय भी थे, क्या देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे कि नहीं थे, इन सब चीजों को एक क्लास में आपको
जानना पड़ेगा, बताते चलेंगे। ये ऐसे ही प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न। देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? आंग्ल मैसूर युद्ध है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल अफगान युद्ध है। ये प्रश्न हमारा ले आने का मतलब ये क्या है कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मराठा या फिर और भी कोई युद्ध हुए हैं तो इसकी भी एक क्लास में लेना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि आंग मराठा और क्या कहते हैं आंग्ल मैसूर से बार बार प्रश्न हुआ है और हर युद्ध के बाद में पैक्ट हुआ है और उस पैक्ट के पैक्ट में कौन कौन से गवर्नर जनरल थे ये भी आपसे पूछा गया है। तो इन सब के माध्यम से मैं आपको वो बताऊंगा। हो सकता है ये ना पूछ के यहाँ पे सत्र ना दे के आपसे यहाँ पे गवर्नर जनरल दे दे या फिर यहाँ पे पैक्ट दे दे, कौन कौन सा पैक्ट हुआ है, किसके माध्यम से कौन सी संधि हुई है, किसके माध्यम से हुआ है, ठीक है, तो वो आपको पूछ ले। तो इस तरह से चीजों को पढ़ना पड़ेगा आपको। एक प्रश्न को एक प्रश्न की तरह कभी हैंडल मत करिएगा, एक प्रश्न को कई तरीके से हैंडल करने का प्रयास करिएगा कि यहाँ से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और देखिए, सूची एक को सूची दे के साथ सुमित के लिए तथा दिए ठीक है तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, ये जो है हमने आपको कहा ना कि एक क्लास के माध्यम से 1857 की क्रांति को हम आपके सामने कंप्लीट कर देंगे। तो ये प्रश्न जो है 1857 की क्रांति से है, ये मैच करेंगे। इसके मैच करने के बाद जो भी क्या कहते हैं कभी कभी प्रश्न यहाँ से कथन कारण का बन जाता है तो वो भी इसी क्लास के माध्यम से क्या कहते हैं एक कहानी बताएंगे, उस कहानी के माध्यम से खत्म कर देंगे और उस पर प्रश्न 4-5 कराएंगे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेल कीजिए ना, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद की संधि का वही हमने क्या कहा कि आंदोलन और संधियां हम आपको एक साथ बताएंगे, तो आंदोलन और संधियों में क्या कहते हैं ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक्सलास अपेल की संधि होता है जिसको एक्सलास चैपल बोल रहे हैं, एक्सलास अपेल की लाभ उर्दनासिया द्वारा मद्रास पर अधिकार, एक्सलास अपेल की संधि भी क्या कहते हैं अभी आंग्ल मैसूर वाले में आती है, तो ये चीजें भी आपको जानना पड़ेगा। और कौन कौन सी संधियां कब हुई है, बनारस की संधि कब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, ऐसे ही क्या कहते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तर्दी बेग थे या फिर हकीम खान सूर थे, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। लेकिन बड़ा प्यारा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न क्या कहते हैं अन्य किसी क्या कहते हैं युद्ध में कौन गया था ये भी पूछा जा सकता है, कभी अकबर ने किसी को भेज दिया था किसी युद्ध के लिए या नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सारे जवाब आपको हमारे यहाँ क्लास में मिलेंगे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न हमने आपको इसलिए बताया कि प्रश्न अब जो टेंडेंसी हो गई प्रश्न की इस तरह से आ रहा है, 50% एग्जामिनर आजकल फैक्चुअल डाल रहा है और 50% इस तरह के प्रश्न पे जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आपको देखना पड़ेगा कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे या नहीं, मनसबदारों के 3 वर्ग थे कि नहीं, हमने क्लास में पिछली बार बताया था कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो इस तरह की चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको सही चीजें क्लियर होगी कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है। प्रश्न को सिर्फ आप देखते चलिए बस। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, मतलब किसके काल में पूछ रहा है। देखिए प्रश्न को समझिए, किस सुल्तान के शासनकाल में, तो इसमें से किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी, हालांकि अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में होती थी, लेकिन कैसे होती थी, इसका रीजन क्या था होने का, ये भी आपको क्या कहते हैं पढ़ना पड़ेगा। और ये जब हम पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत तो उसमें हम ये चीज भी मेंशन किए हैं, हमारी क्लास तैयार है बनके पीपीटी और उसमें उन चीजों को रखा गया है जहां से प्रश्न आए हुए हैं और जहां आने की संभावनाएं ज्यादा है। देखिए, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर, अभी हमने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि भारत अकबर को किसी ने बुलाया था, कोई पंजाब का क्या कहते हैं नवाब था, ठीक है, तो मुस्तफा थे या दौलत खान थे, इन दोनों में क्या कहते हैं किसी ने बाबर को बुलाया था, तो बाबर को बुलाया था तो क्यों बुलाया था, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था बाबर को बुलाने का, और बाबर के आने के बाद रह क्यों गए, फिर वापस नहीं गए, तो इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा क्लास के माध्यम से। देखिए, अगला प्रश्न किस तरह से आया है, स्मारक और निर्माता, इस तरह के प्रश्न बार बार आए हैं और वो दिल्ली सल्तनत से भी बन सकते हैं और मुगल काल से भी बन सकते हैं, तो स्मारक निर्माता या स्मारक के साथ साथ अन्य चीजें मंदिर मस्जिद है तो वो भी हम आपको क्या कहते हैं इसी क्लास में बताते चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तानों में कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, ठीक है, अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है, या फिर जजिया कर होता है, किसने समाप्त कर दिया, किसने शुरू किया, अंत में किसने समाप्त कर दिया, इस तरह के प्रश्न यहीं पे बताएंगे इसी तरह से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार आ ही रहे हैं, इसीलिए मैं इस प्रश्न को रखा कि
कई तरह के कर हैं, चरी कर हैं, घरी कर हैं, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत में आते हैं वो भी आपको बताएंगे। घोड़े पर कर लगता था, क्या कहते हैं दागने की प्रथा थी। तो इसी प्रश्न के माध्यम से आपके दिमाग को खोलेंगे और बताएंगे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और क्या कहते हैं क्यों किया था, इनका क्या उद्देश्य था, इन्होंने और कौन कौन सी पॉलिसी ले आई है, क्या कहते हैं ये भी आपको देखने पड़ेंगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख है। अब जो गुप्त और गुप्तोत्तर और मौर्य और मौर्योत्तर काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि समुद्रगुप्त के प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिला हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अलावा अन्य कौन कौन से अभिलेख हैं और वो कहाँ पर हैं, किसने लगवाए हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। आगे देखिए, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ठीक है, या किससे प्रभावित होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा कि ये द्रुतदामन के जूनागढ़ अभिलेख से है या फिर किससे है। लेकिन रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न मतलब बार बार आ रहा है, जिसमें सीसी रोड का उल्लेख मिलता है, सीसी रोड का निर्माता कौन था, किसने क्या कितने का कितने क्या कहते हैं उससे उनसे गुजरी हुई है, मरम्मत कितने करवाई है, बहुत तरह के प्रश्न वहाँ से बने हुए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो बौद्ध धर्म से दो प्रश्न हमने आपको धर्म से बता दिया, एक ये एक पिछला प्रश्न जो हमारा था बुद्ध धर्म संघ होगा। लेकिन क्या कहते हैं इससे और किस तरह से प्रश्न बनेंगे ये भी आपको जानना होगा। बेशनगर अभिलेख का होलियोडोरस कहाँ का निवासी था, अब होलियोडोरस कौन था, इसकी तरह क्या कोई और था, और बेशनगर अभिलेख का होलियोडोरस कहाँ का निवासी था, इस तरह से पूछ रहा है, तो ये सब जानना पड़ेगा। तक्षशिला से था, ठीक है। आगे देखिए, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे, सबको पता हुआ है कौन से रचयिता थे, तो इसी तरह क्या कहते हैं यहाँ पे पुस्तक का नाम दे देगा, मॉडर्न में भी पूछ सकता है, और क्या कहते हैं एंशियंट में भी पूछता है, मिडिवल में भी पूछता है, इस तरह की चीज़ें। तो वो भी एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारा छूटा रहेगा हम आपको वो बताते चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, देखिए पहला प्रश्न जो पहला चैप्टर था हमारा, क्यों जानी जाती है, कृषि अपने नगर नियोजन के लिए तो जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी वहाँ पे है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि अपने उद्योगों के लिए उद्योग था कि नहीं आपको देखना होगा, कृषि संबंधी कार्य के लिए कृषि थी कि नहीं, सही थी, क्या कहते हैं अचारो था, इसको भी जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। अब प्रश्न का जो तरीका हो गया है वो इस तरह का बन गया है, अगर आप इस तरह के प्रश्नों को हैंडल करोगे तो कई चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम अपने क्या कहते हैं एग्जाम में जो हमारी टेस्ट सीरीज हो रही है, हम इस तरह के प्रश्न को 50% डाल रखे हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में आपके दिमाग खोलने की आपको बताने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। खत्म हो गया है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित, देखिए टफ प्रश्न है ये, टफ प्रश्न है, लेकिन क्या कहते हैं इसी के साथ में जो पाषाणकालिक स्थल हैं, मध्य पाषाणिक स्थल हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब करना है, यहाँ पे किसी और चीज के बारे में पूछ सकता है, लोथल, मोहनजोदाड़ो, आलमगीरपुर, सुक्का गिंडोर, बनवाली, राखीगढ़ी, किसी को भी देके आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका बताने का उद्देश्य ये था मेरा कि देख लिए जो चैप्टर हमने आपको आगे बताए यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, क्या सच में वहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं, और ये घटना चक्र के से लिए गए प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं परीक्षा में, कह लीजिए लिए हुए प्रश्न हैं 2017, 18, 19, 20 या उसके पहले के जो प्रश्न हैं वो समाहित हैं, कुछ इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं या नहीं रिपीट होंगे, तो इसी पैटर्न पे फिर से वो प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको हम अलग से क्लासेज जब इतिहास की होंगी तो बताना शुरू कर देंगे। अभी हमारी क्लास एनवायरनमेंट की और क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की कंटिन्यू चल रही है, उसको आप देखते रहिए, बाकी जब वो सेगमेंट खत्म होगा तो दो क्लासेस और उड़ जाएंगी। और बायोलॉजी की मैम बायोलॉजी पढ़ा रही, हिंदी वाले सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो लगभग आपके परीक्षा के लिए चार क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, चार या पांच अन्य जो शेष रह जाएंगी वो भी अगले महीने से खत्म, जब ये खत्म होगा 15-15 क्लास तो वो शुरू हो जाएगा, और कोशिश यही है हमारी कि दिसंबर से जनवरी तक आपके सारे कोर्स को खत्म कर दें, ताकि जनवरी के बाद एग्जाम जब भी हो 15-20 जनवरी के बाद आप एकदम अच्छे से तैयारी करके करिए और उसका बार बार रिविजन करते रहिए।